हाय एवरीबॉडी, दिस इज शुभम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो ये मैं टिस नेट के लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने के होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके आया हूँ क्योंकि कम टाइम में बनाना जरूर आसान नहीं है। PPT बनाना या फिर उसका डॉक फाइल पर कॉपी पेस्ट करके या फिर कहीं से कलेक्ट करके आप लोगों के लाना, वो मुश्किल है थोड़ा। तो मैं डायरेक्ट करंट अफेयर्स की जो एक मंथली कंपाइलेशन आती है ग्रेड अप की, तो उसी को मैंने उठा लिया। तो हम डिस्कस करेंगे इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है इसमें, मैं बता देता हूँ। जैसे बैंकिंग, इसमें एक सेक्शन है बैंकिंग ओबिचरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, रॉयली इग्नोर मारेंगे, राइट। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे आएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सेक्शन में, देखते हैं इंडियन पोस्टल बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक देख सकते हैं क्योंकि ये रोल्ड आउट हुआ था, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस हुआ था, ठीक है। ये इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक, या फिर इसके बारे में याद कर सकते हैं, IIPB इसको कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या होगा कि बिकम लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया प्रोवाइडिंग इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर ऑफ एनी बैंक बाई लेवरेजिंग लास्ट माइल अनप्रेसिडेंटेड रीच ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ये क्या होगा, वो लास्ट माइल तक, यानी हर रूर के कितने भी खतरनाक इलाके से लेके कितना भी पिछड़ा इलाका होगा वहाँ तक ये पैसे पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं, इसमें एक डिपार्टमेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज़ डेवलप्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टेक होल्डर ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जो एम्पावर मैनेजमेंट ऑफ पर्सन है, उसने एक डेवलप्ड किया है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस ओपन किया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसे मैं पहले देख चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल क्वेश्चन है, 27 एयरटेल पेमेंट बैंक जो है और HDFC का एर्गो जो है इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने अंडर द कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप के तहत इन्होंने क्या किया, मॉस्किटो डिजीज़ प्रोटेक्शन पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑबिचरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उसमें पूछा नहीं जाता, पर भी फिर भी हम कुछ देख लेते हैं। कुछ पॉलिटिक्स में दिया हो तो पॉलिटिक्स के लीडर के बारे में आ सकता है कि कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस लीडर और फॉर्मर MP सुखदेव सिंह लिब्रा, ये पास्ड आउट हो गए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, ये भी पास्ड हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा, हाँ, श्री राम जेठमलानी, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे बहुत बड़े, और अटल बिहारी वाजपेयी काल में इन्होंने क्या हुआ था, लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर द लॉ एंड अर्बन डेवलपमेंट इन द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में या क्या थे, तो आपके लॉ एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हम आगे बढ़ेंगे सीधा, देख लेते हैं इसमें कुछ और तो है नहीं, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट डे पे आते हैं, इम्पोर्टेंट डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द 10 डेज लॉन्ग गणेश उत्सव फेस्टिवल बिगिन विद द ग्रेट डिविजन, ठीक है। गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। फेम दूसरे पे क्या जाते हैं, द इंटायर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर विल बी सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में पूरा इंटायर सेप्टेम्बर मनाया जाएगा, ठीक है। दस दिस ईयर इज द थीम ऑफ द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इस ईयर का जो थीम होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पोषण अभियान क्या होता है, एक मल्टी मिनिस्टरल कन्वर्जेंस मिशन है। तो एड्रेस मॉल न्यूट्रिशन विद टारगेटेड अप्रोच बाई 2022, ठीक है। ये टारगेट इसमें क्या होगा, मल्टी मिनिस्टरियल कन्वर्जेंस होगा, जिसमें क्या किया जाएगा, मॉल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए एक अप्रोच या फिर एक पॉलिसी डेवलप किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, और टारगेट क्या है, यूनियन गवर्नमेंट रखा है कि 35% मॉल न्यूट्रिशन से घटा के स्टंटिन का जो रेट है 35% से घटा के 25 कर दिया जाए, ठीक है।
ये थर्ड नंबर वाला, हाँ थर्ड नंबर ICMR और NIN कंडक्टिंग है प्रोग्राम्स ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक टिल 7 सितंबर। जो ICMR है और NIN है उसने क्या किया है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 7 सितंबर से बनाने के लिए क्या क्या अपना नॉडिंग दे दिया है, यानी अपना सहमति दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज गोइंग टू इंप्लीमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ डाइट एंड लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज इन सब चीज़ों के बारे में क्या, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बारे में क्या किया जाएगा, एक इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिव लाइफस्टाइल और इफेक्टिवनेस ऑफ डाइट के बारे में क्या करेगा, लोगों को एजुकेट किया करेगा, लोगों को अवेयरनेस फैलाएगा। दिस विल बी डन थ्रू इन्फॉर्मेशन के थ्रू किया जाएगा, एजुकेशन के थ्रू किया जाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाएगा, यानी आंगनवाड़ी वर्कर जो काम करते हैं उनके थ्रू किया जाएगा। चौथे नंबर पर आते हैं खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC क्या कर रहा है, खादी विलेज जो इंडस्ट्री कमीशन है KVIC, उसने पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया। क्या किया, पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया, कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, पांचवे पे आ जाते हैं टीचर्स डे। टीचर्स डे हर पूरे साल मनाया जाता है, कब, किसके नाम पे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे मनाया जाता है। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट एंड टेन साउथ एशियन कंट्री किक्ड ऑफ मैरीटाइम ड्रिल एट द ताती नावल बेस इन थाईलैंड। थाईलैंड में क्या किया, टेन साउथ एशियन कंट्री ने क्या किया, वहाँ पे मैरीटाइम ड्रिल्स स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सातवां इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया, इंटरनेशनल लिटरेसी 8 सितंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका थीम क्या था, द थीम ऑफ इंटरनेशनल तो लिटरेसी एंड मल्टी लिंगुअलिज्म। ठीक है, क्या है, लिटरेसी एंड मल्टी लिंगुअलिज्म, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और भारत में कितने 2011 के अकॉर्डिंग 74.4% क्या है लिटरेट है, और ये इट्स नॉट अ वर्थ, ये बहुत कम है। द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम होगा वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड के लिए ये होगा। द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 सितंबर। जो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन होगा वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका क्या होता है साउथ साउथ कोऑपरेशन, आप जान जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा कि बेसिकली द साउथ साउथ कोऑपरेशन जो टर्म हिस्टोरिकली यूज बाई पॉलिसी मेकर एंड एकेडमिक्स टू डिस्क्राइब एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का एक्सचेंज कर सके, टेक्नोलॉजी का रिसोर्स कर सके और नॉलेज का एक्सचेंज कर सके अपने आप में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हो, यानी जो विकासशील कंट्रीज के बीच में क्या हो, रिसोर्सेज का शेयरिंग हो, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग हो, नॉलेज का शेयरिंग हो। ठीक है, इंजीनियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 15 सितंबर। इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया वॉज ए इंडियन स्कॉलर, इंडियन इंजीनियर थे, इन्होंने ये दीवान भी थे 1912 से लेकर 1918 तक, और इन्हें भारत रत्न 1955 मिला था। ठीक है, तेलंगाना 11 जुलाई को मनाता है अपना इंजीनियरिंग डे, क्योंकि बर्थडे ऑफ अली नवाज जंग बहादुर को वो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और इसका थियरी, इसका थीम क्या था, पार्टिसिपेशन के थ्रू ही डेमोक्रेसी का क्या होगा, डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है। द ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉल द डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल, डेमोक्रेसी इज बिल्ट ऑन इंक्लूजन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड पार्टिसिपेशन। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होगा ये क्या किया जाएगा, ये इंक्लूजन, सबको इंक्लूड करे, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, ला के तरफ जो पॉलिसीज है उनमें भागीदारी सबकी सेम हो। ठीक है, द फंडामेंटल राइट सबको मिले। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है बढ़ावा। ठीक है, 12th नंबर क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 18 सितंबर को मनाया जाता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या करता है, अमेरिका क्लीन वाटर फाउंडेशन जो है और वाटर एट एनवायरमेंट फेडरेशन जो है एंड द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन जो है वो क्या करता है, अवेयरनेस बिल्ड करता है लोगों में कि अपने आसपास के लोकल बॉडीज़ को आप बचा के रखो। ठीक है, अपने आपके लोकल बॉडी को बचा के रखो ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका
आपके जो हैंडपम्प पे पानी आ रहा है, आपके जो जहाँ से पानी हम कंज्यूम कर रहे हो समरसेबल से, वहाँ पे पानी की कमी ना हो। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड इन वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन द 21st सितंबर। जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस होता है वो हर सितंबर 21st को मनाया जाता है, सितंबर में 21st को मनाया जाता है। इसका जो थीम है, इसका थीम कहाँ गया, थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस इसका थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा और आ भी सकता है। टेक द थीम ड्रॉ अटेंशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इसका जो थीम है वो अटेंशन ड्रॉ करता है कि हमें पीस के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21st सितंबर, वर्ल्ड अल्जाइमर डे क्या मनाया जाता है, 21st सितंबर मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23rd सितंबर, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड 16th इंडिया वाटर वीक, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 6 इंडियन वाटर वीक मनाया 2019 में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, राइट। द वर्ल्ड मैरीटाइम डे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये विश्वा इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज ऑब्जर्व ऑन 26th सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन वो 26 सितंबर को मनाया जाए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आंध्रा ने टॉप किया है। इंटरनेशनल गूगल ने अपना 21st बर्थडे मनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ तो हर डे पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्या है, अवेयरनेस अबाउट हर्ट डिजीज मनाया जाता है और ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम है माई हार्ट योर हार्ट, क्या है इसका थीम, माई हार्ट योर हार्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हो गया तो आपके इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, ठीक है। 10 से 12 मिनट में ये हो गया, ठीक है, हम देख लेते हैं आगे। अपॉइंटमेंट्स इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं, देखते हैं किसका इम्पोर्टेंट है।